భారతీయ జనసంఘ వ్యవస్థాపకులు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ దేశ సమైక్యత సమగ్రతల కోసం అంకితమయ్యారని బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా అన్నారు. ఆర్టికల్ 370 35A రద్దుకు ఉద్యమాన్ని ముఖర్జీ ప్రారంభించారన్నారు. ముఖర్జీ వర్ధంతి సందర్భంగా బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆయనకు నడ్డా నివాళులు అర్పించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ను కాపాడటం కోసం ఆయన ఎంతో కృషి చేశారని చెప్పారు. आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, धारा 370 समाप्त हो, 3500A निरस्त हो, इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था और कहा था एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान. लेकिन हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था, अलग प्रधान था और अलग निशान था. इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी. हम सबको याद है कि उन्होंने उस समय परमिट राज होता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए. 11 मई को उन्होंने बिना परमिट के लखनपुर बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए क्रॉस करना चाहा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु की सूचना आई 23 जून 1953. और उस समय जब 1953 में सूचना आई तो यह पता चला कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं. यह बताता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान दिया देश की एकता और